यस 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 मैं पहली बार सबको मैं विशेष करना चाह रहा हूँ। या जी का एक्टिंग स्कूल एक 7-8 ईयर से बॉम्बे में बहुत नाम मशहूर से चल रहा। मेरा नाम लक्ष्मण बंदूक है, बंदूक लक्ष्मण बोलते। साउथ में एक 4 पिक्चर्स का डायरेक्टर हूँ मैं। अभी मैं जो पिक्चर नेक्स्ट पिक्चर बना रहा हूँ बाहुबली का, जो विजेंद्र प्रसाद जी है ना, उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं स्क्रिप्ट में उन सर जी काम कर रहा हूँ। मैं इसलिए हैदराबाद से इतना दूर से आया, इया जी से मेरा मुलाकात है, बहुत दिन से मैं उनको देख रहा हूँ। द वे शी इज सेंडिंग द न्यू आर्टिस्ट, द वे शी इज इंट्रोड्यूसिंग द न्यू आर्टिस्ट टू द फिल्म इंडस्ट्री, आई एम रियली अप्रिशिएटेड दिस गर्ल। ये ऐसा एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से जो लड़की है, लड़कियाँ जो भी आ रहे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो लोगों को स्टार्टिंग स्टेप्स में दे हैज टू लर्न वेरी प्रोफेशनल एक्टिंग, प्रोफेशनल डांस एंड ऑल। सो मैं इया जी का बहुत सारे गर्ल्स आज साउथ में 4-5 अनन्या और एक नाम क्या आशमा शर्मा, ऐसा सो मेनी गर्ल्स नाउ दे आर डूइंग अ वेरी बिग मूवीज इन साउथ इंडस्ट्री। मैं इसलिए आया इधर, नॉट ओनली हिया को विशेष बोलने के लिए नहीं, सारी न्यू आर्टिस्ट लोग या तो एक्टिंग के लिए जो भी आ रहे वो लोगों को सबको मैं विशेष करने के लिए आया। मेरे को आने का लंबा सफ़र हुआ हैदराबाद से बॉम्बे आने का, यहाँ आने के बाद तो बहुत खुश हो गया हूँ मैं। ऐसा एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे लोग आते, जो भी न्यू कमर्स आते, दिस इज़ द राइट पाथ टू एंटर इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, आइदर या साउथ इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री। इतना दूर आने के बाद मैं कुछ बोल के तो जाना है, मैं आया गस करा सबको विश करके जाना। तो कहीं ना कहीं आप अप्रोच करेंगे नहीं, मैं कोई यस मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। हर एक बैच का जो भी एक बैच होने के बाद 10-15 लोग रहते, 20 लोग रहते, 30 लोग रहते, जितने भी लोग हैं, इसमें से बेस्ट कलाकारों के साथ, बेस्ट आर्टिस्ट के साथ मैं या जी जितने दिन ये फिल्म इंस्टीट्यूट रनिंग करते, जितने बैचेस को उन्होंने प्रोड्यूस करते, हर एक बैच से मैं एक शॉर्ट फिल्म बना के प्रमोशनल वीडियो बनाने का वादा करूँ हर एक बैच के। तब मैं बॉम्बे आऊँगा, बॉम्बे में 2-3 दिन रहूँगा, फ्रेश आर्टिस्ट जो भी बेस्ट परफॉर्मर के साथ एक शॉर्ट फिल्म बनाऊँगा। हिंदी में आप रिलीज करो, तेलुगु में मैं रिलीज करता हूँ। हिंदी तेलुगु बहुत दोनों में बनाता हूँ, डबिंग में चेंज कर लेता हूँ। किस लिए बना रहा हूँ, व्हाट इज माय बेनिफिट, जाके विस्कार दिया हो गया बात, वाई व्हाट इज माय इंटेंशन टू डू शॉर्ट फिल्म्स हियर फॉर न्यू आर्टिस्ट। मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा न्यू आर्टिस्ट को साउथ में लॉन्च करने का। खुशी की बात कहूँ तो खुशी तो मैं इजहार नहीं कर सकती, बिकॉज मैं इतनी खुश हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे फ्रेंड इतने दूर से हैदराबाद से बॉम्बे आए, कि जब इनको हमने बताया कि ऐसे इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो इन्होंने बिल्कुल हम आते हैं, और इन्होंने भी प्रॉमिस किया कि या जो भी हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चा निकलेगा तो ये उनको लेकर के शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। अब बच्चा कितना टैलेंटेड है, कल को शॉर्ट फिल्म उसकी हिट होती है तो हम उसको ये अपने हिसाब से उसको साउथ में भी लॉन्च करेंगे। और हमारा ये इंस्टीट्यूट का पहला ही, जो हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट का मकसद पैसा कमाना नहीं है, हम चाहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिला, जो अलग अलग शहर से लोग आते हैं, कुछ पता नहीं चलता कि बेचारे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, उनको इतना गुमराह किया जाता है, लाखों में फीस रखी जाती है और बहुत तकलीफ होती है। तो इस इंस्टीट्यूट से हमारा मेन मकसद है कि जब हमारे जो बच्चे निकले तो कम से कम उनके माँ बाप की कोई बद्दुआ हमको ना लगे कि नहीं ये सही जगह प्लेस पर गए थे, और सीख के ये पहला इंस्टीट्यूट है कि जिसमें हैदराबाद और बॉम्बे ये दोनों टाई अप करके हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे मेरे दोस्त लक्ष्मण जी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट रनिंग करने के बाद हमारा शायद 2019 का प्लान है कि हम अपना जो ये एक्टिंग स्कूल का ब्रांच हम हैदराबाद में भी डालेंगे। यस देखिए, इस एरिया में मैंने इंस्टीट्यूट खोलने का मेरा एक ही मकसद था कि मीरा रोड में एक भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, और है भी तो सब वो कोने में खोल खोल करके बैठे हुए। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं, हम बच्चों को प्रमोट करते हैं, हमारी अपनी कंपनी हियास कास्टिंग हब
एंड ही हैज एंटरटेनमेंट आई हैव टू कंपनी, तो इस कंपनी के थ्रू हम बच्चों को इंट्रोड्यूस भी करेंगे, मार्केट में लेके जाएंगे, और मीरा रोड के लोग जितने भी हैं जिनको कोर्स करने के लिए अंधेरी बांद्रा पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, तो एटलीस्ट यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है तो बच्चे यहाँ से सीखने के बाद उनको हम डायरेक्ट उनके प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं कि ये कास्टिंग एजेंसी आप ये कंपनी में जाओ, यहाँ पे ऑडिशन देके जाओ, बाकी देखो उनकी डेस्टिनी है, क्योंकि हम सिखा सकते हैं, हम समझा सकते हैं, बट हम किसी की किस्मत नहीं बना सकते। यस, इसके अलावा भी आपके कोई और इंस्टीट्यूट है? या मेरा एक कानपुर में इंस्टीट्यूट है जो ऑलरेडी इसका ब्रांच है, जो वहाँ पे लोग ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, एंड अंधेरी में एक है इंस्टीट्यूट रेवल बिजनेस सेंटर में, वहाँ भी एक रनिंग चल रहा है, ये हमारा थर्ड ब्रांच है जो हमने यहाँ पे खोला हुआ है, एंड प्लानिंग तो बहुत कुछ है कि इस इंस्टीट्यूट को ऑल इंडिया लेवल पे खोला जाए, एंड मॉरिशस भी मेरा इंस्टीट्यूट है, आज आप इसको गूगल पर डालेंगे तो वहाँ की जो सरकार है मॉरिशस की, वो स्पेशली मेरे को ट्रेनिंग देने के लिए मॉरिशस बुलाती है, तो वहाँ पर भी हमारा एक ब्रांच चल रहा है, बस आगे गॉड इज ग्रेट। थैंक यू। आपके हाथों से ओपनिंग हुआ, यहाँ पे आप आई हैं, क्या शुभकामनाएं आपकी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस इंस्टीट्यूट के लिए तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हिया के लिए, जो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, फ्रेंड है, सिस्टर है। ये इंस्टीट्यूट कुछ नया नहीं है, ये काफ़ी समय से खुल चुका है, और हिया पहले से ही से मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकल भी चुके हैं, बहुत कुछ कर भी चुके हैं, काम हासिल भी कर चुके हैं साउथ में और बहुत सारी जगह। तो मैं जानती हूँ कि किस लेवल का इंस्टीट्यूट है, और मैं जानती हूँ कि हिया किस तरह से बच्चों को तैयार करती है उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनके ड्रीम्स और उनके फ्यूचर के लिए, मैंने देखा है। तो आई नो कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, एक नया मुकाम है, एक नया स्टेप लिया है, एक इसको एक बड़े लेवल से करने के लिए, जो हम बहुत पहले से उत्साहित कर रहे थे, और फाइनली हिया ने ये कदम उठाया, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाला है, एंड क्योंकि हिया बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो इसको एक बिज़नेस के तौर पे नहीं देखती कि सिर्फ पैसे आए और स्टूडेंट्स मिले, नंबर बढ़ जाए, पर वो क्वालिटी में बिलीव करती है, तो वो इस चीज़ में बिलीव करती है कि स्टूडेंट्स कुछ बन जाए, उनके सपने पूरे हो, वो एक नाम और मुकाम हासिल करे, तो उसमें उसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। सो आई लाइक दैट अबाउट। कहने के लिए शब्द तो कुछ भी नहीं कहा, तो उनके लिए जाता है जिनसे कभी कभी मिलते हैं और वो अजनबी होते हैं। ये मेरी अगर मैं इतना बोलूँगी, आज अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बैठी हुई, तो आसिफ मैं इनकी वजह से ही हूँ, इनकी वजह से मैं जिंदा हूँ, इन्होंने मुझे प्रभु यीशु का रास्ता दिखाया, और कुछ था लाइफ में ऐसी चीज़ें, तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई सिस, माई गॉड मदर, मतलब मेरी मॉम के बाद अगर कोई रिश्ता मेरे लिए आता है तो वो वैष्णवी दीदी हैं, और ये बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारा नेचर इनका, ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये सबके लिए बहुत क्यूट है। इनको किसी की भी मदद करनी होती, कुछ भी होती, भागती लोगों की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी इतनी स्वीट एक्ट्रेस मैंने इस मुंबई शहर में नहीं देखी है। यहाँ तो हर कोई सोचता है कि सर वहाँ पर क्या हासिल। अच्छा, मेरे बारे में ऐसा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं सच बोल रही हूँ, हमें तो प्रभु यीशु ने इनके जरिए मेरे पास भेजा, और मेरी जो आज मैं आपके सामने बैठी, जो इंस्टीट्यूट चला, जो कुछ भी हूँ, सिर्फ इनकी वजह से ही हूँ, गॉड की वजह से। गॉड ने आपको जरिया बनाया ना धरती पे, प्रभु यीशु ने इनको भेजा मुझे बचाने के लिए। इसका तो प्लान हैदराबाद है, इसका भी ब्रांच हैदराबाद, वैसे भी मेरा होम टाउन हैदराबाद, मेरे हस्बैंड वहाँ से है, मेरी मम्मी भी हैदराबाद से है, और हिया भी अभी हिया का एक घर भी है हैदराबाद, क्वाइट वहाँ पे काफी ये हो गई है, जड़े वहाँ पे, जड़े हो गए। भी देखा आपके सामने हैदराबाद के डायरेक्टर वगैरह आए थे। और इसके अलावा समथिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे होंगे, और बहुत
बहुत प्रोमिसेस और बहुत सारी प्रतिज्ञाएं होंगी कि हम ये कर दिखाएंगे, हम वो कर दिखाएंगे। ये एक इंस्टीट्यूट होगा जहां बातें ज़्यादा नहीं होंगी कि हम ये कर दिखाएंगे, पर ये करके प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। और हिया मैंने जैसे मैंने कहा बहुत पैशनेट है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी जो भी इस वक्त देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि अगर आपके दिल में ख्वाहिश है, अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो लाइफ में इस फील्ड में, तो आप हिया एक्टिंग इंस्टीट्यूट को एक मौका ज़रूर दीजिएगा। आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से आप सचमुच एक बेहतरीन एक्टर, कलाकार और एक अच्छे इंसान ही बनके एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ बाहर निकलोगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ना सिर्फ एक नाम जुड़ना, बट क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप इसे ज़रूर एक मौका दीजिए। वैष्णवी जी, आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहूँगा, आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, और यहाँ के जो बच्चे निकलेंगे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के, क्या उनको आपका सहारा मिल पाएगा, सपोर्ट मिल पाएगा, काम करने का मौका मिल पाएगा? मैं खुद भी, मेरा एक चैनल है अभी YouTube पे, मैंने अभी हाल ही में शुरू किया, इट्स ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल, बट आई एम लुकिंग एट इट। मैं आगे फ्यूचर में देख रही हूँ कि वो एक बहुत बड़ा चैनल बनने वाला है, जिसका नाम है 50 Shades Lighter द वाइंस ऑफ लाइफ। तो मैं खुद भी शॉर्ट फिल्म्स बनाती हूँ, बहुत छोटे लेवल पे अभी, बट धीरे धीरे मुझे अभी ऑफर भी आया है टू बी अ डायरेक्टर ऑफ वेब सीरीज एंड ऑन। तो आगे चल के फ्यूचर में मे भी आई विल बी डूइंग समथिंग इन दैट फील्ड। और एक्टर्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इनफैक्ट मुझे संडे को ही मेरी मीटिंग है किसी से, जिन्होंने मुझे कहा है कि आप एक लिस्ट बनाइए अच्छे एक्टर्स की, ताकि हम उसको कास्टिंग में यूज़ कर सकें फॉर शॉर्ट फिल्म्स एंड वेब सीरीज़। क्योंकि वेब सीरीज़ और जो फिल्म्स आती हैं यूट्यूब और इस पर, ये कल का फ्यूचर है। यू नो, टेलीविज़न तो है ही, लेकिन एक नया ये खुल चुका है चैनल, जहाँ पर यंगस्टर्स ज़्यादातर ऑनलाइन रहते हैं, और वेब सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। तो डेफिनेटली हम हियाज़ इंस्टीट्यूट, सबसे पहले तो मैं हिया को ही दूंगी कास्टिंग के लिए, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज आई नो कि वो मुझे सबसे बेस्ट एक्टर्स रिकमेंड करेगी, और उसके खुद के इंस्टीट्यूट से अच्छे एक्टर्स निकलने ही वाले हैं, तो वाई लुक एल्सवेयर। सबसे पहले हिया जी को उनके साहस के लिए, ये ओपनिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। बहुत सुंदर स्टेप उन्होंने यहाँ लिया है, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि कुछ एक्टिंग सीखनी है तो हमें अंधेरी तक जाना है, या जू तक जाना है, या गोरेगांव तक जाना है। तो भाईंदर में उन्होंने ये क्लास खोल के यहाँ के बच्चों को भी एक चांस दिया है। हमारे 2-3 बच्चे यहाँ से है जो ऑलरेडी सीरियल में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, पर ये एक उनका माध्यम हो जाएगा किसी, और आजकल सीरियल भी बहुत आ रहे हैं, काम भी बहुत है, और बच्चे शौक से काम करते भी हैं, और आज के बच्चों में बहुत टैलेंट है। हीरे को तराशने के लिए हिया जी ने ये इंस्टीट्यूट किया है। हीरे तो हमारे यहाँ है मीरा भाईंदर में, तो हिया जी ने जो तराशने का काम किया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत हिया जी अभिनंदन करना चाहूँगी, और बहुत शुभकामनाएँ, और यहाँ के बच्चों को इतनी सुंदर इंस्टीट्यूट की बहुत बहुत फ़ायदा मिले, वो यहाँ बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग सीखे और उनका एक एक्टिंग में कैरियर बने, ऐसी मेरी दिल से शुभकामनाएं। हर तरह से हिया जी को जब जब किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मैं हमेशा हूँ हिया जी आपके लिए। थैंक यू सो मच। मैंने पहले गीता जी की शुक्रिया अदा, तो मैं जितना कम करूँ उतना कम है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी नाइस वूमन। से मैं फर्स्ट टाइम मिली, मैंने मिलते बोला कि माय गॉड, मतलब इतनी अच्छी मेयर रह चुकी है, इतना अच्छा इनका यहाँ पे नाम है, लेकिन कहते हैं ना, एक घमंड नाम का इतना सा भी चीज़ मैंने इनके अंदर नहीं देखा। मतलब देखते जब पॉलिटिशियन होते हैं मेयर, वो ऐसे मतलब ईगो ये सब, तो जब मैं फर्स्ट टाइम इनको मिलने गई, तो मैं अपने भाई के साथ गई थी, तो इनको मिले, बाहर निकले, मेरे कहा शी वेरी स्वीट यार, मतलब बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छी है। और मैं जानती हूँ कि मीरा रोड में मुझे कुछ भी सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये हमेशा मेरे लिए खड़ी है। और बीजेपी से है, तो बस मैंने सोच लिया इंस्टीट्यूट के बाद में बीजेपी ज्वाइन करूँगी। तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे आई, एंड हमारे बच्चों से बाहर मिला, और ये हमारी पूरी फैमिली से मिली, आप लोग से मिली, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत गीता जी आपका शुक्रिया। थैंक यू। अंजना, मेरी मॉम का है हियाज़ एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मैं उनकी बेटी हूँ, और मुझे 100% श्योर पता है कि ये इंस्टीट्यूट बहुत प्रोग्रेस करेगा और बहुत ऊंचाई तक जाएगा। इट्स गोना बी नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ये मेरा सपना नहीं,
ये हकीकत है, ये होने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि मेरी मॉम बहुत मेहनती है एंड शी इज़ जस्ट, ये पैसे कमाने के लिए बिल्कुल नहीं है इंस्टीट्यूट, ये बच्चों को सिखाने के लिए है. दिस इज़ फॉर स्प्रेडिंग एक्टिंग एंड या जो भी बच्चे यहाँ से निकलेंगे फॉर श्योर कुछ करेंगे ऑफकोर्स. दैट्स इट, थैंक यू. और मैं बस मैं जानती हूँ कि बाय गॉड्स ग्रेस इनका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चलेगा, मतलब बहुत लोग जानेंगे और फिर इतना ही बस. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता. ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं. इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी. दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर. ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस.